गरियाबंद में पत्नी ने अपने बेटे के साथ मिल पति को लाठी और पत्थर से पीट पीट कर मौत के घाट उतारने का सनसनीखेज मामला सामने आया। घटना देवभोग थाना क्षेत्र के दबनई गांव की है। चरित्र शंका को लेकर पति गगनेश्वर पत्नी लक्ष्मीबाई के साथ पिछले 5 साल से मारपीट करते आ रहा था। परेशान पत्नी 5 महीने पहले घर भी छोड़ अपने बहन के यहाँ रह रही थी। 15 दिन पहले नवाखाई पर्व मनाने आई थी और पिछले 3 दिनों से लगातार पति पत्नी के बीच विवाद हो रहा था। शुक्रवार की रात विवाद बढ़ने पर पत्नी लक्ष्मी और बेटा गिरीश ने मिलकर गगनेश्वर को लाठी और पत्थर से पीट पीट कर हत्या कर दी। मृतक शौच के लिए गया था, तभी उस पर लाठी और पत्थर से हमला किया। देवभोग पुलिस ने आरोपी पत्नी और बेटे के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। सर वो मेरी मम्मी को शक करता था और हमेशा मेरे को मारपीट करते थे और मम्मी को भी मारपीट करते थे। क्या बोलते सर वही चरित्र संदेह करते थे, समझाए थे आप लोग, समझाते थे? समझाते थे सर। फिर भी उसके भाई के बेटे लोग बहुत सपोर्ट करते थे उसके, और पूरे परिवार वाले उसके सपोर्ट करते थे। कब से ऐसा विवाद चल रहा था? 4-5 साल। 4-5 साल से। इसलिए खुद जानबूझ के मारे की ऐसी हो गया सर, ऐसे यहाँ हाथापाई हुआ सर। अच्छा, जी। कितने मारे? किसमें पीटे? किसमें मारे सर? ऐसे धक्का मुक्की में गिर गए और उनका देहांत हो गया। थाना देवभोग क्षेत्र अंतर्गत एक गांव है दबनई। यहाँ पे मृतक गगनेश्वर सोनवानी अपने परिवार साथ रहता था। परिवार में पत्नी के साथ इनका आए दिन विवाद हो रहा था, जिसमें कल दिनांक को गगनेश्वर की पत्नी लक्ष्मी और उसके पुत्र गिरीश सोनवानी दोनों मिलकर हत्या कर दिए हैं, जिसमें अपराध कायम कर विवेचना कर रहे हैं। विवेचना दौरान आरोपियों से पूछताछ करने पर अपना अपराध कबूल किए हैं, जिसमें आरोपी को अरेस्ट कर न्यायिक रिमांड ले रहे हैं। हत्या का कारण क्या बताया? अभी तक की जो जानकारी मिली है उसके आधार पर हत्या का कारण पारिवारिक विवाद, साथ ही चरित्र संदेह बता रहे हैं।